अपनी बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार एआई एथिक्स की एक्सपर्ट सूचना सेठ का सामना उनके पति वेंकट रमन से कराया गया। गोवा के कलंगूट पुलिस स्टेशन में दोनों के बीच 13 जनवरी को 15 मिनट की मुलाकात हुई। 15 मिनट की इस मुलाकात में ही पति पत्नी के बीच जबरदस्त बहस हो गई। बताया जा रहा है कि सूचना के पति वेंकट रमन ने जब उनसे पूछा कि तुमने बेटे को क्यों मारा, इस पर सूचना ने जो जवाब दिया उससे वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना के पति वेंकट और खुद सूचना भी नहीं चाहती थी कि दोनों पति पत्नी का एक दूसरे से सामना कराया जाए, लेकिन जांच कर्मियों ने उन्हें जबरन एक दूसरे के सामने बिठाया। वेंकट को जब सूचना के सामने लाया गया तो वो बेहद नफरत भरे अंदाज में सूचना से उसने पूछा कि तुमने बेटे को क्यों मारा। वो बार बार अपनी पत्नी को अपने बेटे का कातिल कहता रहा, लेकिन सूचना दम साधे बैठी रही। वो वेंकट के आरोपों को नकारती रही और कहा कि उसने बेटे को नहीं मारा है। थोड़ी ही देर बाद दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हुई और जब इस बार वेंकट ने उसे बेटे का कातिल कहा और पूछा कि यदि तुमने बेटे को नहीं मारा तो किसने मारा, इस पर सूचना ने वेंकट से कहा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और इसके जिम्मेदार तुम हो। इस दौरान सूचना ने अपने पति से ये तक कह दिया कि जब तक मैं हिरासत में हूँ तुम आज़ाद हो। वेंकट रमन ने यह भी बताया कि जिस वक्त उनके बेटे की हत्या हुई उस समय वो किसी काम से इंडोनेशिया में थे। पुलिस से बेटे की हत्या की सूचना मिलने के बाद वो 9 जनवरी को तुरंत भारत वापस लौटे और 10 जनवरी को बेंगलुरु में अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद बयान दर्ज कराने के लिए वो 13 जनवरी को गोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। 4 साल के मासूम की हत्या की जांच कर रही गोवा पुलिस ने इससे पहले 12 जनवरी को क्राइम सीन रिक्रिएट किया था और 1.5 घंटे तक उसकी जांच भी की। बहरहाल गोवा मर्डर केस में आए दिन बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें ये अहम खुलासे एक दर कर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सुचाना सेठ ने अपने 4 साल के बच्चे का दम घोटा। हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन जॉर्ज आपको ये गाड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस गाड़ी से ये गोवा छोड़कर बैंगलोर जाना चाहती थी। 30,000 में गाड़ी बुक की गई थी। इसके टैक्सी ड्राइवर द्वारा जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो गोवा पुलिस ने रिकॉर्ड किया और इसी गाड़ी में सूटकेस था जिसपे कथित तौर पर उस सूटकेस में बच्चे की लाश को लेकर ये बैंगलोर जाना चाहती थी रोडवेज से। आगे चलते हैं, हम आपको ये पैसेज दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है टाइम्स नाउ नव भारत की। इसी पैसेज के बीच में इंटरोगेशन चल रहा है इस वक्त सुचाना सेठ का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ। आपको बता दें 3रा दिन है लेकिन अभी भी कुछ पुख्ता स्टेटमेंट सुचाना सेठ की तरफ से कुछ हाथ नहीं लग पाया है गोवा पुलिस को, क्योंकि वह 3 दिन से केवल एक ही बात पर टिकी हुई है कि उसने यह कुछ नहीं किया। वह सबेरे उठी और उसने देखा कि उसका बच्चा मृत्यु पाया गया था। यह इसका स्टेटमेंट है कि मैंने कुछ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें ये गोवा पुलिस स्टेशन कलंगूट का जुरिसडिक्शन में आता है और इस जगह से कुछ देरों की दूरी पर ही वो होटल था जहां पर सुचाना सेठ रहती थी। और आज अहम दिन है इस पूरे खुलासे को लेकर, क्योंकि आज के दिन ही रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन होने वाला है। इसमें अहम पहलू हाथ लग सकते हैं कि आखिरकार ये 7 और 8 तारीख को क्या कुछ हुआ था। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोवा पुलिस की पूरी टीम यहां पर तैनात है और लगातार इंटरोगेशन चल रही है। 16 से ज्यादा लोगों के अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड ले चुके हैं। एक नोट भी मिला था, दरअसल टिश्यू पेपर पर लिखा हुआ नोट जो आईलाइनर से सुचाना से इतने कथित तौर पर लिखा था और वह उसके बैग में डाला था। अब वह नोट जो है वो एक अहम खुलासा कर सकता है इस पूरी गुत्थी को सुलझाने को लेकर, जहां पर सुचाना सेठ मायूस थी, निराश थी और नाराज थी इस बात को लेकर कि कैसे बच्चे की कस्टडी उसके पिता वेंकट रमन तक जा सकती है। क्यों आखिर वेंकट रमन संडे को मिलना चाहता है बच्चे से। यहाँ पर आप देखिए जितने भी अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये गोवा पुलिस स्टेशन से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ठीक इसके अंदर लॉकअप भी है जहां पर पिछले 4 दिनों से सुचाना को रखा गया था। महज 4 दिन और बाकी है, 6 दिन हमने देखा कि टोटल रिमांड का दिया था, आज 4था दिन है। आपको बता दें इन सभी में एक सबसे बड़ी बात सामने निकलकर यह भी आ रही है कि सुचाना किसी भी तरीके से कोई एक्सप्रेशंस नहीं दे रही है, ना रो रही है, ना किसी तरीके के अपने जो बयान है उस पर उन्होंने कोई कॉन्क्रीट आंसर दिया है। इवेजिव आंसर्स के साथ ही हम देख रहे हैं सुचाना कई बार ये बता रही है कि उसने कुछ नहीं किया है। देखना होगा कि गोवा पुलिस कलंगूट पुलिस की तरफ से क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। वहीं
वेंकट रमन के वकील अजहर मीर ने 13 जनवरी को पत्रकारों को बताया कि सूचना और वेंकट के बीच पिछले एक साल से बेंगलुरु के एक फैमिली कोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर लड़ाई चल रही थी। कोर्ट ने पिता वेंकट को पहले बच्चे से फोन या वीडियो कॉल के जरिए बात करने की इजाजत दे दी थी। उसके बाद नवंबर 2023 में कोर्ट ने कहा कि पिता हर रविवार घर पर अपने बेटे से मिल सकते थे। हालांकि उस दौरान सूचना सेठ ने कहा कि बच्चे को पिता से कैफे में मिलना चाहिए, ना कि घर में, लेकिन कोर्ट ने घर में ही मिलने की इजाजत दे दी थी। वेंकट 7 जनवरी को बेटे से मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सूचना बच्चे को लेकर गोवा आ गई, उसकी हत्या कर डाली। आपको हम पहले ही कई वीडियोस में ये बता चुके हैं कि सूचना के इस अपराध का खुलासा किस तरह से हुआ है। 6 जनवरी को सूचना सेठ गोवा के सोल बनियान ग्रैंडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। इसके बाद उसने 8 जनवरी को होटल से चेकआउट किया था। सूचना सेठ के चेकआउट करने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। सूचना जिस कैब में गोवा के होटल से निकली थी, उस कैब के ड्राइवर की मदद से सूचना को कर्नाटक में बेंगलुरु पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछा था कि क्या लगेज लेके जा रही है, मैंने बोला कि एक बैग है, और एक्चुअली मैंने उनको बोला था कि थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे, लेकिन उस वक्त भी मुझे, अभी क्या होता है सबका अलग अलग रहता है, अभी कुछ बता नहीं सकते। उन्होंने बोला था कि काम का सामान है करके, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट आता है, लेकिन 100% नहीं था। लेकिन जब वो पुलिस ने बोला कि सेकेंड टाइम जब बोला कि मतलब वो बच्चा मिसिंग है या एड्रेस फेक है, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, और बाद में तो उधर कन्फर्म ही हो गया। दरअसल सूचना जब होटल से निकली, उसके बाद हाउसकीपिंग स्टाफ सफाई करने गया, तो वहां उसने खून के धब्बे देखे। होटल स्टाफ ने इस बात पर गौर किया था कि सूचना जब होटल में आई थी तो उसके साथ उसका एक बेटा भी था, लेकिन जब वो चेकआउट कर रही थी तो उसका बेटा साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने इसी शक के आधार पर पुलिस को इसकी सूचना दी। इस पर पुलिस ने सबसे पहले होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें सूचना चेक इन के वक्त अपने बच्चे के साथ आती दिखाई दे रही थी। वहीं 8 जनवरी को सूचना को अपने बेटे के बिना सर्विस अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और सूचना की तलाश तेज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके भी जरूर बताइए। और आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल। नमस्कार।